तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम फेसबुक के एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक फेसबुक यूज़र हैं तो ये फेसबुक का टूल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त राज रौतेल और आप देख रहे हो टेक्निकल RJ। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही टेक वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। दोस्तों फेसबुक नया मैनेज एक्टिविटी टूल जोड़ रहा है जो कि यूजर्स को एक साथ कई पोस्ट आसानी से एक जगह पर सॉर्ट करने में हेल्प करेगा। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में जानकारी दी है कि यह फीचर सबसे पहले मोबाइल वर्जन और फेसबुक लाइट ऐप पर काम करेगा। इसके बाद इसे डेस्कटॉप वर्जन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। मैनेज एक्टिविटी फीचर्स एक्टिविटी लॉग सेक्शन का हिस्सा है और यूजर्स को बल्क में पोस्ट अकाइव या फिर ट्रेस करने में हेल्प करता है। अपने ब्लॉग पोस्ट में फेसबुक ने यह भी बताया कि इस टूल पर काम करना जारी रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं फेसबुक मैनेज एक्टिविटी टूल क्या है। दोस्तों फेसबुक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक मैनेज एक्टिविटी टूल का उद्देश्य यूजर्स को आसानी से अपने पुराने पोस्ट मैनेज करने में हेल्प करना है। यह यूजर्स के पुराने कंटेंट को आर्काइव करता है जो कि यूजर्स के लिए फेसबुक पर मौजूद है लेकिन उसे दूसरे यूजर्स नहीं देख सकते। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फेसबुक यूज़र हैं तो आप अपने फेसबुक के पुराने पोस्ट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं मैन्युअली। इसके अलावा इसकी हेल्प से यूजर्स अपने पुराने पोस्ट को ट्रेस भी कर सकते हैं जिसमें आपका पोस्ट 30 दिन तक दिखेगा और फिर यह हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। हालाँकि यूजर्स उन्हें मैन्युअली रिस्टोर या फिर डिलीट कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन में बल्क में इस्तेमाल किए जाएंगे जिसका मतलब है कि यूजर्स अपने सभी पुराने पोस्ट फिल्टर की हेल्प से एक बार में ही मैनेज कर सकते हैं। इन फिल्टर्स में कैटेगरीज, डेट और प्यूपिल शामिल हैं। हाउ टू यूज़ फेसबुक मैनेज एक्टिविटी टूल। दोस्तों बात कर लेते हैं आप मैनेज एक्टिविटी टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक्टिविटी लॉग सेक्शन में जाना होगा। इसके बाद मैनेज एक्टिविटी में जाएँ। यहाँ आपको आपके सभी पोस्ट दिखाई देंगे जिसके साथ दो विकल्प दिए होंगे, आर्चीव और ट्रेस का। सभी पोस्ट को आपको अलग से चुनना होगा। पोस्ट चुनने के बाद आपको दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। तो दोस्तों फेसबुक का यह फीचर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।